हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज पड़किया बनाकर बता रही हूँ। मैं आधा किलो सूजी ली हूँ और उसे भूंज रही हूँ। इसे ब्राउन होने तक भूनना है और मैं 1.25 लीटर दूध का खोआ बना ली हूँ। इस तरह से आप लोग बना लीजिए। सामग्री में सूजी, खोवा, चीनी, इलायची और पचमेवा, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट डालकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। पड़किया में ये मसाला डाल रही हूँ मैं, इलायची, गड़ी, काजू, बादाम, इन सबको मोमदस्ता में कूट लेना है फिर इसे सूजी और खोआ का मिश्रण मैं कर दी हूँ। इसमें ऐड करना, मैंने चीनी को बारीक पीस ली है और इसे ऐड कर दूंगी। मैंने मैदा लिया है 1 किलो सूजी में या 3 पाव का सूजी में। एक किलो मैदा लीजिए और उसमें रिफाइंड डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें और गर्म पानी से गूंथना होगा। इस तरह से घी और आटा या मैदा को अच्छी तरह से मिलाना होता है। ये तैयार हो गया है। अब इसे गर्म पानी से सान दी गूंथती हूँ मैं। गैस में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। फ्राई करने के लिए फैन को हीट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को एक टिप्स दे रही हूँ, जैसे कि ये पड़किया का पूरी मैं बेल चुकी हूँ तो एक के ऊपर एक रखना है जिससे ये सूखे ना, और इसको इस तरह से उठाएंगे तो ये देखिए अलग अलग हो जाएगा। और इसमें आप सूजी को अच्छा तरह से भर सकती हैं, इसलिए एक के ऊपर एक आप लोग रखिए, ये खराब नहीं होगा। नाखून के सहारे इसे कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। इस तरह आप तीज के सॉस से ऊपर बनाएं। मैं छोटे छोटे टिप्स के साथ बता रही हूँ, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा लाल करके निकालना है, ये टाइट रहेगा। ये छोटा सा टिप्स है, कचौड़ी जैसा नहीं बनेगा। सभी सुहागनों को, सभी तीज व्रतियों को मुबारक।
मुबारक हो। आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। संगीता से रेसिपी को आप लोग देखना चालू करें। मैं भी समय समय पर टिप्स डाल रही हूँ। हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रही हूँ। थैंक यू।